ईद उल फितर माह सयाम में रोजे रखने का इनाम। ईद का दूसरा दिन अपनों के साथ मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। रोही की जानिब से जनूबी पंजाब की आवाम को ईद की खुशियां मुबारक। मुल्तान में दरबारी मूसा पाक शहीद में नमाज ईद की अदायगी की गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने दरबारी मूसा पाक शहीद में नमाज अदा की। पार्लियामानी लीडर पंजाब अली हैदर गिलानी और एमएनए अब्दुल कादिर गिलानी भी हमरा। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईद की खुशियों में मजलूम फलस्तीनियों को जरूर याद रखें। आम शहरी को महसूस होना चाहिए कि रिलीफ मिल रहा है, हमने पहले भी जिम्मे इलेक्शन लड़े हैं। तो मजलूम वो हैं फलस्तीनी, आज जब ईद की अब ईद मना रहे हैं उनका जरूर ख्याल करें। शहरी ओलिया में ईद उल फितर के इज्तमा दरगाह हजरत बहाउद्दीन जिद्दिया के अहाते में नमाज ईद का बड़ा इज्तमा। जैन कुरैशी समेत अहम शख्सियात ने नमाज ईद अदा की। उधर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मुल्तान के जरिए इहतमाम नमाज ईद का बड़ा इज्तमा मुनाकिद हुआ। परजंदानी सलाम और मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की जानिब से उम्मत मुसलमा को ईद की मुबारकबाद। कहा ईद उल फितर रमजानुल मुबारक के हवाले से योम तकमील, रहमत इलाही और योम तशक्कुर है। कम वसीला तबकात को याद रखें। उन्होंने शोहदा को भी खराज अकीदत पेश किया। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान की ईद पर शहरियों को मुबारकबाद। ईद के पैगाम में निचले तबके को खसूसी तौर पर याद रखने की हिदायत। अफसरान और अजीज व अकारब से ईद मिली और इंतजामी उमूर का भी जायजा लिया। मुल्तान इंतजामी ईद उल फितर पर मरीज बच्चों और कैदियों की खुशियों में शरीक। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर चिल्ड्रन अस्पताल में मरीज बच्चों से ईद मिले। वालिदैन में ईदी और तहाइफ तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों के साथ ईद मनाई। कपड़े और मिठाइयां भी तकसीम की। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आदित्य चट्टा ईद उल फितर के बाद शहरियों में घुल मिल गए। रोही टीवी के नाजरीन को ईद की मुबारकबाद दी। कमिश्नर ने रेस्क्यू के दफ्तर का भी दौरा किया और ड्यूटी पर मामूर अहलकारों की खिदमत को सराहा। ईद उल फितर के मौके पर खुशियां बांटे। जिला इंतजामिया सहूलियात फराहमी के लिए कोशा है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का शहरियों को पैगाम। कहा शिकायत के अजाले के लिए शहरी बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर रहीम खान खुरम परवेज का दारुल अमान शेख सैयद अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। दारुल अमान में केक काटा और ई तहायफ तकसीम किए। शेख सैयद अस्पताल में बच्चों और जेल में कैदियों को तहायफ दिए। उधर डिप्टी कमिश्नर लैया खालिद परवेज ने फैमिली के हमरा दारुल अमान का दौरा किया। मियावाली और रहीम खान के शहरियों ने मीठी ईद पर मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। कहते हैं मीठी ईद पर मिठाई तो बनती है, मेहमानों को भी मिठाई पेश करते हैं और खुद भी खाते हैं। फोटोबाद में ईद की खुशियां मान पड़ गईं। गरीब तबका मुखैर हजरात की राह तकने लगा। शहरियों का कहना था कि बच्चों का पेट भरने के लिए किसी मसीहा के मुंतजर हैं। ईद उल फितर के पहले दिन मुल्तान के पार्कों की रौनक बहाल। इब्ने कासिम पार्क में बच्चों और फैमिलीज का रश। बच्चे झूलों से महजूज हुए। दूसरी जानी फूड स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज बन गए। रोहेला वाली के शहरी कैसर पार्क पहुंच गए। मुल्तान के ईदगाह चौक पर बिखरे सकाफत के रंग। घुघू घोड़े और रिवायती खिलौने बच्चों की तवज्जो का मरकज। रंग बिरंगे खिलौने खरीद कर बच्चे खुश हुए।